वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू सॉल्व द इक्वेशन, चेक योर सॉल्यूशन। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमारे पास होता क्या है कि हमने इस तरह से क्रॉस करवाना होता है, मल्टीप्लाई इसने इससे मल्टीप्लाई होना होता है और इसने इससे। तो जब टू इंटू टू, जब टू एक्स माइनस सेवन से मल्टीप्लाई होगा तो वो हम इस तरह से राइट करेंगे कि टू इधर आ गया और 2x-7 जो है हमारे पास ब्रैकेट में आ गया ये दोनों, और फिर इक्वल का साइन आ गया यहाँ पर और ये दोनों, तो 5 बाहर आ गया और ब्रैकेट में x प्लस 8 आ गया, ये आ गया। ओके, ये इस तरह से और ये इस तरह से हमने राइट किया है। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, माइनस टू को जब सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, 5 को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा, 5 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। देन क्या आ जाएगा हमारे पास, 5x को हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना, 5x को यहीं पर रहने देते हैं, इस 4x को इधर ले आते हैं। तो आपको पता है कोई भी टर्म लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट साइड पे जाती है उसका साइन चेंज हो जाता है। 4x इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह नेगेटिव 14 का, नेगेटिव 14 आ गया, ये 40 इधर आके इधर प्लस है इधर आके माइनस 40 हो जाएगा। 5x में से 4x को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, साइन माइनस का आ जाएगा। 14 में 40 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 54 आ जाएगा। तो x की वैल्यू नेगेटिव 54 है, तो हम इस तरह से राइट कर लेते हैं। अगर नेगेटिव 54 इक्वल टू x है सो हमारे पास x इक्वल टू क्या आ गया, नेगेटिव 54 आ गया। ये तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। इसको चेक कैसे करते हैं, तो चेक करने के लिए हम ये करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि मैं यहाँ पे चेक करने लगी हूँ कि मेरे पास ये आंसर सही है कि नहीं। चेक करने के लिए जो आंसर आपके पास आता है उसको आप गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हो। गिवन इक्वेशन में पुट करने के बाद लेफ्ट और राइट साइड का अगर आंसर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है ये आंसर आपका ठीक है। इस आंसर को चेक करने के लिए हम पुटिंग करते हैं, तो हम इसमें पुट करते हैं चेक करने के लिए। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आप नेगेटिव 54 पुट कर दोगे, 2 का 2 एक्स की जगह नेगेटिव 54 और साथ में प्लस 8 है तो प्लस 8 राइट कर दो। इसी तरह इक्वल का साइन है वो आ जाएगा, न्यूमरेटर में 5 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई और इनके साइन कोई बिटवीन के साइन नहीं है, इनके बिटवीन कोई साइन नहीं है, तो 2 का 2 आ गया। और ब्रैकेट में हम x की वैल्यू लिख लेते हैं नेगेटिव 54 और फिर माइनस 7। ये देखें, समझ आ गया जो क्वेश्चन था ना इक्वेशन में, इक्वेशन जो गिवन थी उसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमने नेगेटिव 54 पुट कर दिया, बाकी जहाँ नंबर्स थे वो वैसे ही राइट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास दोनों राइट और लेफ्ट साइड पे आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब है हमारा ये आंसर ठीक हो गया। 2 का 2 वैसे ही राइट कर लेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, 54 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 46 आ गया, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का जो होता है वो आता है, बिगर टर्म 54 ऐसा माइनस है तो माइनस आ गया। यहाँ पर क्या हो जाए ना, 554 टू टाइम हमारे पास क्या होता है, 108, यस 108 और माइनस माइनस आ गया और माइनस 7 आ गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का 5 108 में 7, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 108 और 7 कितने होते हैं हमारे पास, 115। और इनको हम आगे और सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस नीचे नहीं आता ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे कट कर देंगे, 2 1 टाइम 2 और 2 कितने टाइम 4 होता है, 2 टाइम और 2 कितने टाइम 6 होता है, 3 टाइम, 1/23 आ गया, -1/23। ये माइनस पर साइन ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी 5 से, 5 1 टाइम 5 5 कितने टाइम, 115 होता है, 23 टाइम, तो दोनों सेम आ गए ना, साइन भी सेम आ गया। इसका मतलब है हमने चेक कर लिया। चेक करने के लिए क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर उस एक्स की वैल्यू पुट करके आगे सॉल्व सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड पे आंसर सेम आ गया। इसका मतलब है ये हमारे पास ठीक है। अगर यहाँ पे सेम ना आता दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे, इसका मतलब होना था कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है, हमने आंसर नहीं सही से फाइंड किया। यहाँ पे आप कंप्लीट नोट कर सकते हो उसको, होप्स अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। और वीडियोस देखना चाहते हो तो सॉल्व द इक्वेशन के नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पर चेक करना भी मैंने सिखाया हुआ है।
कैसे चेक करते हैं और डिफरेंट इक्वेशंस को लेके नहीं मिलती मुझे, कह दो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक